कोरोना से निपटने के इकदाम, इक्तिसादी राबता कमेटी ने NDMA को 5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। फंड्स लॉजिस्टिक्स और जरूरी सामान के लिए फौरी फराहम किए जाएंगे। फाटा में नादरा मनसूबे के लिए 5,32,000 डॉलर के मसावी जिमनी ग्रांट भी मंजूर कर ली गई है। ECC इजलास में कोरोना वायरस की गूंज, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी ECC का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड्स की समरी मंजूरी की गई है। ECC ने NDMA को 5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। ऐलानिया के मुताबिक जारी करदा ये फंड्स लॉजिस्टिक और जरूरी बुनियादी सामान के लिए फौरी फराहम किए जाएंगे। फाटा में नादरा मनसूबे के लिए 5,32,000 डॉलर के मुसावी जिमनी ग्रांट मंजूर की गई है। पायदार तरक्की के अहदाफ के प्रोग्राम के लिए 5.5 अरब रुपए के जिमनी ग्रांट की मंजूरी भी दी गई है। वजारत हाउसिंग एंड वर्क के लिए 27,50,00,000 रुपए की ग्रांट मंजूर हुई है। ऐलामिया के मुताबिक कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में सहमाही एडजस्टमेंट टैरिफ की मंजूरी दी है। मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट 1.09 रुपए से 2.89 रुपए किलोवाट बढ़ाई गई है। सादी राबता कमेटी के इजलास के बाद जारी करदा ऐलामिया के मुताबिक बिजली टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन 3 माह बाद जारी होगा। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मराती पैकेज पर कमेटी कायम की गई है। 1 माह में सिफारिशात दी जाएंगी। ECC ऐलामिया के मुताबिक कमेटी में डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम हुकाम और दीगर मुतल्लिका वजारतों के नुमाइंदे शामिल होंगे। रुपए की कदर में कमी से पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO और तेल कंपनीज को खसारे के मामले पर मोहलत मांग ली गई है। LPG एयरमिक्स के मंसूबों पर बलूचिस्तान हुकूमत से मुशावरत की हिदायत की गई है।